हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम, स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेज नूडल्स रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बिल्कुल मैं आपको देसी स्टाइल में बनाना बताऊंगी, जिसको बनाकर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी, क्योंकि मैंने बिल्कुल नॉर्मल मसालों से इसे बनाया है, बट आप खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप जब भी बनाएंगे फिर इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। रेसिपी अच्छी लगे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो को बिना स्किप पूरा वॉच करना, जिससे कुछ भी मिस ना हो, आप रेसिपी बनाए तो परफेक्ट ही बने। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी नूडल्स रेसिपी अपलोड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर वेजिटेबल जवे की रेसिपी भी अपलोड है, आप देख सकते हैं, बनाकर ट्राई करना और मुझे फीडबैक जरूर बताना। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बनाकर ट्राई करिएगा, फीडबैक जरूर बताइएगा। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने फ्रेंड्स मैंने 2 पैकेट नूडल्स लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऑप्शनल है। 1 मैंने छोटे साइज का पत्ता गोभी, उसे भी मैंने धोकर ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज के शिमला मिर्च, उसे भी मैंने धोकर फाइन चॉप किया है लंबे पीसेस में। 2 मीडियम साइज के गाजर, उसे भी मैंने छिलका हटाकर फाइन चॉप किया है लंबे पीसेस में। 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ही रखें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप स्किप भी कर सकते हैं आपके पास ना हो तो। 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून केचप, ये चटपटा को बैलेंस करेगा। आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं इसको। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है लंबे पीसेस में। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, उसे भी मैंने फाइन चॉप किया है। 4 से 5 हरी मिर्च, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, आप इसको कट करके भी ले सकते हैं फाइन। अब मैंने 2 लीटर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक को डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून ऑयल को डाल दिया। ऑयल को इसलिए डाला जिससे चिपचिपे ना हो हमारे नूडल्स, और बॉयल आते ही मैंने नूडल्स को डाल दिया है। अब दूसरे साइड को पलट देंगे, जिससे दूसरे साइड से भी कुक हो जाए, और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हम इन्हें, 70 से 80% ही कुक करेंगे। ये देखिए नूडल्स हमारे कुक हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे, इनको हम जस्ट छान लेंगे। ये देखिए मैंने छलनी में डालने के बाद इसमें ठंडा पानी डाल दिया है, ठंडे पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे, जिससे इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपे नहीं हुए हमारे नूडल्स। अब इसको हम एक ट्रे पे फैला देंगे, आप किसी भी थाली या ट्रे पे इनको अच्छे से फैला दें, और फैन में या आप इनको रूम टेम्परेचर पर ही रख दें, थोड़ी थोड़ी देर पर इनको उलट पलट दें, जिससे इनका जो मॉइस्चर हो अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो ये बिल्कुल चिपचिपे नहीं बनते हैं। अब मैंने गैस को फिर से कढ़ाई को रख लिया, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल को डाल दिया। ऑयल गर्म होते ही मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक को डाल दिया है, और गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। कोई भी चाइनीज आइटम हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। अदरक को डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे, क्योंकि हमें सब्जियों का कलर नहीं चेंज करना, बस क्रंची फ्लेवर ही रखना। थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इनमें सब्जियों को डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। फ्रेंड्स, आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन का भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। अब नमक को डाल देंगे, जिससे सब्जियाँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँ, और इनको थोड़ा सा हम हाई फ्लेम पे ही सौते कर लेंगे। ये देखिए नूडल्स हमारे बिल्कुल चिपचिपे नहीं हुए, बिल्कुल खिले खिले बने। आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके भी ऐसे ही बनेंगे। अब नूडल्स को डाल देंगे, धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च को डाल देंगे, सोया सॉस को डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर को डाल देंगे, रेड चिली सॉस को डाल देंगे, ग्रीन चिली सॉस को डाल देंगे। फिर से आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो केचप को ना डालें, ये मैंने चटपटा बैलेंस करने के लिए डाला है। अब हाई फ्लेम पे ही इनको हम अच्छे से उलट पलट कर फ्राई करेंगे, ये देखिए, जिससे सब्जियां भी कोट हो जाएं और अच्छे से मसाले भी कोट हो जाएं। देखिए कोई भी चाइनीज आइटम हमेशा फुल फ्लेम पे बनाया जाता है, जिससे उसमें इसीलिए स्मोकी फ्लेवर आता है, और उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में अदरक लहसुन प्याज का भी यूज़ किया जाता है। तो मैंने सेम प्रोसेस से ही बनाया, आप बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और मैंने सर्व कर लिया प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आपको ये नूडल्स रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ बनाकर ट्राई करना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपको दिखाती हूँ कितने खिले खिले और कितने डिलीशियस बने हैं मेरे वेज नूडल, बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने आपको बनाना बताया है, जिस प्रोसेस से मैं बनाती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी नूडल्स रेसिपी अपलोड है, उसे मैंने बिल्कुल
स्ट्रीट स्टाइल बनाना बताया, तो आप बनाकर ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर वेजिटेबल जवे की रेसिपी भी अपलोड है, आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली।